प्रातःवंदन बच्चों, आज हम कक्षा नौवीं, कक्षा दसवीं, नवम कक्षा है, दशम कक्षा आया के अंतर्गत व्याकरण विधि जो है, व्याकरण को उनके पाठों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप बच्चों देख रहे हैं, आज का हमारा जो विषय है वह है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। यह है द्वितीय अध्याय, ठीक है। इसमें दिया है व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। इसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी नाम से अभिहित किया जाता है, इसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है। व्याकरण शास्त्र में जो संज्ञाएं हैं, उनकी जो परिभाषा है, उनका बहुत ज्यादा महत्व होता है ना? और इनका जो प्रयोग है लाघव के लिए किया जाता है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। यदि हम इनकी परिभाषाओं को समझ लेंगे तो जो हम व्याकरण प्रक्रिया है किस प्रकार से है होती है उसको हमको समझने में सहायता मिलती है। फिर है कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही। चलिए आइए हम उनकी जो परिभाषाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि यहां पर सबसे पहले दिया है आगम। क्या दिया है? आगम। मित्रवत आगमा। किसी वर्ण के साथ जब अन्य वर्ण अलग से आकर जुड़ता है तो उसे आगम कहते हैं। किसी वर्ण के साथ जब अन्य वर्ण अलग से आकर के जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आगम, यानी आया। जैसे उदाहरण समझिए, शिव धन छाया। क्या शब्द बना यहाँ पर? शिवच छाया। यानी यहाँ जो वर्ण जुड़ा वो कौन सा वर्ण था? चावर्ण का आगम हुआ। तो चावर्ण का आगम हुआ इसलिए कौन सा क्या हुआ? ये आगम हुआ है ना, इसलिए इसको कहते हैं आगम। किस वर्ण का हुआ? चावर्ण का आगम हुआ। शिव धन छाया, शिवत छाया, यहाँ चावर्ण का आगम हुआ। दूसरा है आदेश। अब क्या है ये दूसरा जो हम पढ़ेंगे वह है आदेश, शत्रुवत आदेश, ठीक है। किसी वर्ण के स्थान पर, किसी वर्ण के स्थान पर जब कोई दूसरा वर्ण रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। किसी वर्ण के स्थान पर जब कोई दूसरा वर्ण रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आदेश। जैसे उदाहरण देखिए, अति धन आचार, ठीक है। तो ये शब्द क्या बना? अत्याचार। अति धन आचार शब्द क्या बना? अत्याचार। तो यहां पर कौन से वर्ण का? ई के स्थान पर या का आदेश। आदेश यानी आदेश होना, ई के स्थान पर किस चीज का आदेश हुआ? या का आदेश हुआ है, इसलिए यहां पर अत्याचार शब्द बना, इसलिए इसको कहते हैं आदेश। आप देखते हैं विशेष, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण होना एक आदेश कहलाता है। पूर्व और पर यानी पहले और दूसरे दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का होना एक आदेश कहलाता है। जैसे उदाहरण समझिए, महेशय में आधनी दोनों को एक आदेश ए हुआ है। महेशय में आधनी दोनों को एक आदेश यानी ए, तो क्या बन गया यहां पर शब्द? महेश। क्या शब्द बना? महेशा। तीसरा है उपधा, अलुन त्याग पूर्व उपधा। अंतिम स्वर या व्यंजन से ठीक पहले, अंतिम स्वर या व्यंजन से ठीक पहले आने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? उपधा कहते हैं। जैसे निंद, तो ना है, ई है, छोटी की मात्रा देख रहे होंगे, धन ना है, फिर द, तो ये दिए तो उसमें क्या है? द जो है वो कौन सा वर्ण हो गया? अंतिम वर्ण, ठीक है। और उससे पूर्व का वर्ण कौन सा है? नी, यानी ना वर्ण है, ठीक है। तो ये कौन सा? ये उपधा हो गया। इसी
धा में देखिए, धा धन आ धन वा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ है, किस प्रकार से इसमें धाव शब्द पूरा कंप्लीट बनेगा इसमें, चलिए इसको समझते हैं, देखते हैं। धा धन आ धन वा में आ तथा पट, आ जो शब्द है ठीक है, अब तथा और मतलब जो पट थी, तो पा धन आ धन था धन आ धन ता धन ई में ता उपधार, ठीक है ना, और इसमें आ उपधार, इसी प्रकार धाव में आ उपधार है और पठती में ता उपधार। चलिए आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। आप देखिए ये दिया है चौथा पद सुपिंग तपदम, ठीक है ना, सुप सु और जस, सु औ जस आदि 21 और तिम ते तस झी आदि 18। ये क्या है, प्रत्ययों के लगने पर क्रमशः शब्दों एवं धातु रूप को पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया सुप और तिम, प्रत्ययों के लगने पर क्रमशः शब्दों एवं धातुओं को पद कहते हैं। जैसे इसमें दिया है रामा बालका लता पठती गच्छंती इत्यादि, सब क्या है, ये पद कहलाते। विशेष क्या दिया है, केवल राम बालक लता पठ गम आदि पद नहीं कहे जा सकते। ये ध्यान रखिएगा कि राम बालक लता पठ गम आदि पद नहीं कहे जा सकते। अब है निष्ठा, तो किसमें क्या आएगा, कतवत निष्ठा यानी तवत निष्ठा यानी त और तवतु, त और तवतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। तवत निष्ठा यानी तव और तवतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। इन प्रत्ययों से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण होता है, जैसे पठिता गता पठितवान गतवान आदि। विकरण किसे कहते हैं, धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच आने वाले शब्द यानी अ शयन या शनु नु, शनु का क्या आएगा नु है ना, शयन यानी इसका या शब्द अ आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। जैसे भवती में, जैसे उदाहरण देखिए, भवती में जो भा धन ती के मध्य क्या है, शप हुआ है यानी भा धन आ धन ती, ठीक है ना। तो विकरण के भेद से ही धातुएं 10 गणों में विभक्त होती है, कितने गणों में विभक्त होती है, 10 गणों में विभक्त होती है। अब आता है संयोग, हलुंतरा संयोग, हलुंतरा संयोग यानी व्यंजनों के बीच में स्वर वर्ण ना हो तो उस समीपता के संयोग को, उस समीपता को क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। व्यंजनों के बीच में स्वर वर्ण यदि नहीं है, स्वर नहीं लगा तो उसको क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। जैसे विद्यालय, ठीक है ना, विद्यालय में दा और या, और श्रुत्वा में शा और रा है ना, तथा ता और रा और ता और वा। इस प्रकार यदि व्यंजन के बीच में स्वर वर्ण नहीं होते हैं, स्वर नहीं है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको संयोग कहते हैं, ठीक है। आप इसके बाद पढ़ेंगे, संहिता। अब संहिता क्या है, परासन्निकर्ष संहिता, परासन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। संहिता की अवस्था में सभी संधि कार्य होते हैं, जैसे जगत धन ईशन में जिता धन ई में संहिता होने के कारण यानी संधि होने से क्या बन गया, जगदीशय शब्द बन, है ना, संहिता यानी समीपता। तो जब ये समीप आए शब्द तो क्या शब्द बन गया, जगदीशय शब्द बन गया, ठीक है। फिर संप्रसारण, एक यहां संप्रसारणम, ई को या
इस प्रकार ई को या को ई, वा को ऊ, रा को रू और ला को रू, जाने को क्या कहते हैं? संप्रसारण कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप इसी जो आपको मैंने अभी पढ़ाया तो उसके जो अभ्यास कार्यक्रम जो प्रश्न उत्तर है उनको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अधोलिखित पदेभ्य आगम वर्णन, आदेश वर्णन व स्पष्टीकृत पृथक करो, ठीक है। जैसे वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया, इसका मैंने भी आपको समझाया था कि इसके बीच में चा का आगमन हुआ है। फिर है यदि धन अपि, यद्यपि, तो यहाँ पे किस चीज का आगमन हुआ है? या आदेश है, यानी या का आदेश हुआ है। आगम यहाँ पर आगमन है पढ़ा, यहाँ चा का आगम हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आदेश है यानी या का आदेश हुआ है। फिर दिया है इति धन आदि इत्यादि, तो यहाँ पर किस चीज का, देखिए यहाँ पर दिए उत्तर या का आदेश हुआ है, ठीक है। फिर तरु धन तरु छाया, ठीक है, तो इसमें क्या का आदेश हुआ है? च आगमन हुआ है। फिर अनुधन छेद अनुच्छेद, ये देखिए ये जो शब्द दिए ना अनुच्छेद, अनुच्छेद में किस चीज का आगमन हुआ है? च का आगमन हुआ है। फिर है अनुधन इक्षति अनविक्षति, वा का आदेश हुआ है। किस चीज का? वा का आदेश यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों आपके इसमें ये दिया है, जिसको कि आपको बहुत अच्छे से मैंने अभी जो आपको आगमन और आदेश पढ़ाया उसमें इसके जो आंसर है, जो उत्तर है, ये दिए हुए हैं, आपको लिखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है अधोलिखिता अधोलिखित तालिकातः पद संज्ञा संज्ञक पदानि पृथक कृत्वा लिखत। जैसे इसमें दिया है सह पठति हरि दृश हसामि चल मुनि चलति उत्ते। अब इसमें क्या करना है, इस पद में जो संज्ञक पद है उसको क्या करना है, आपको अलग लिखना है। कौन कौन से इसमें संज्ञक पद आएंगे? देखिए पद संज्ञक पदानी कौन कौन से आए हैं, तो पहला आया है सा ये वाला, दूसरा आया है पठती, ठीक, फिर है हसामी ये आया है, फिर है मुनि, कौन सा आया है? मुनि, फिर है चलती ये आया है, फिर है ते, तो ये आपको इसमें ये दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो दिए हैं अधोलिखित तालिका पद संज्ञक पदानि पृथक, तो ये आपको क्या करना है, ये दिए हुए हैं पद, इसमें से जो पद संज्ञक पदानि शब्द है उनको आपको क्या करना अलग है ले। तो ये इसमें मैंने आपको भी बताया कौन कौन से इसमें दिए हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से कॉपी में लिखना है। चलिए इसके बाद है अधोलिखित तालिकायां प्रदत्त पदेषु संयोगस्य उदाहरणे पृथक कृत्वा लिखत। अब इसमें देखिए दिए हैं उत्तर, जैसे दिया है महेश उष्ण वागीशर मातकम सज्जनः क्लेश और पावक, ठीक है ना। अब संयोग सब इनका हमें क्या करना है बताइए, संयोग है ना। अब जो संयोग इसमें क्या आएगा, जैसे दिया है उष्ण, अब इसमें क्या क्या मिला है, तो इसमें मिला है शा और ण, तो ये बन गया शब्द उष्णः, क्या शब्द बना? उष्णः। फिर दिया है महात्वम, अब महात्वम एक हमने उष्ण लिया, फिर लिया महात्वम, महात्वम में क्या क्या है, तो और व, ठीक है ना, तो ये महात्वम आ गया। फिर इसके बाद दिया है सज्जनम, क्या दिया है यहाँ पर, सज्जना, तो सज्जना में क्या मिला है, ज ज डबल है ना, ये दिया है संयोगस्य, यानी कौन कौन से उसमें संयोग, तो एक महात्म एक उष्ण लिया जिसमें शाणा, महात्म लिया डबलता और वा, फिर लिया सज्जना जा जा, फिर क्लेशम, तो इसमें क्या है क और ल, क्या लिया है क्लेशम, तो इसमें क्या है क और ल। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यहाँ पर व्याकरण समझाया, उनके प्रश्नोत्तरों को भी पढ़ाया, और आप इनको बहुत अच्छे से रजिस्टर में या अपनी कॉपी में बच्चों लिख लेंगे, और लिखते जाना है बेटा आपको, इनके जो भी उदाहरण दिए हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझना है, और कॉपी रजिस्टर में जो भी आपने व्याकरण की बनाई है उसमें लिख करके लिखना, लिखने के साथ बेटा याद भी आपको करना है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।